बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ के विचार, यहाँ की बात, यहाँ की आवाज, यहाँ की क्रांति आप देश के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। और उसके बाद जितने भी, चाहे वो राजनीतिक मंच है, चाहे समाज के कोई भी संगठन है, सभी लोग इन खिलाड़ियों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का काम कर रहे हैं। आज इस पूरे देश को चाहिए कि इन खिलाड़ियों का साथ दे, क्योंकि इन्हीं खिलाड़ियों ने जब हमारे देश में मेडलों का सूखा पड़ा हुआ था, तो यही हमारी बेटियां बहनें अपने घरों से कड़ी मेहनत करके वहां तक पहुंची है, जहां तक पहुंचना आसान आप सबको पता है काम नहीं है। लेकिन जब जो सरकारें इनके साथ जीतने पर मेडल्स के बाद सेल्फियां ले रही थी, उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी शामिल हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, उनकी सरकार इनका गुणगान कर रही थी। आज जब हमारी इन बेटियों ने, बहनों ने पर्दे के पीछे की सच्चाई को सामने लाने का काम किया, जो कि एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए छोटी बात नहीं है, आप सब को पता है, आपके घर में भी बहनें हैं, बेटियां हैं, एक बेटी के लिए कितनी बड़ी बात होती है। ये लड़ाई मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है, और ये जब तक इसमें हम सब साथ नहीं होंगे, तब तक सरकार, मुझे नहीं लगता ये गूंगे और बहरी सरकार है, और अब तो अंधे भी सरकार है, इसे कुछ दिखता भी नहीं है। ये बेटियों का दर्द क्या समझेंगे, इनके घर में तो बेटियां हैं ही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या जाने कि बेटियों का दर्द क्या होता है, क्योंकि उनके घर में बेटी नहीं है। एक बेटी का दर्द वही समझ सकता है जिसके घर में बेटी हो। ये बेटियां यहां आई हैं, तो मुझे लगता है समाज के हर वर्ग को इनका साथ देना चाहिए। और जितने भी लोग, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा एक पोस्ट भी डाल रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जो यहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, वो भी इस क्रांति में शामिल हो सकते हैं। जरूरी नहीं आप यहां पहुंचे, हर आदमी यहां नहीं पहुंच सकता है, हर एक आदमी का घर का काम नहीं चलता है। तो मुझे लगता है जो यहां नहीं पहुंच सकता, वहां बैठे बैठे भी इनका साथ दे सकता, सहयोग दे सकता है। मैं वादा करता हूं, मैं थोड़ा सा लेट हूं, 4-5 दिन लेट आप आया हूं, क्योंकि बाहर शूट चल रहा था, लेकिन जब तक ये धरना है, तन मन और धन से मैं इनके साथ खड़ा हूं। और मैं ही नहीं, मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान का हर युवा, हर बुजुर्ग इनके साथ खड़ा होगा, क्योंकि महिलाओं का यौन शोषण मर्द करते हैं, और ये मर्दों के लिए शर्मिंदगी की बात है। ये उन मर्दों के लिए शर्मिंदगी की बात है जो उन ओहदों पे बैठ के, जहां उनकी पूजा होनी चाहिए, गुरु समान होते हैं वो। तो सरकार को बहुत जल्द ही, मुझे लगता है, बता देना चाहिए कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं, वरना सारा देश इनके साथ खड़ा हो जाएगा, तो सरकार मुझे नहीं लगता रह पाएगी। और अगली जो सरकार आने वाली है, उसके तो सपने देखने बंद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि देश का जवान भी सड़कों पे है, किसान भी सड़कों पे है, और खिलाड़ी भी सड़कों पे है। बहुत शर्मिंदगी की बात है। और फिर कहते हैं हमारा देश उन्नति कर रहा है, ये है विकास, जिस विकास का नारा दिया था हमारे प्रधानमंत्री ने। अगर ये विकास है तो हमें नहीं चाहिए ये विकास। अपना विकास अपने पास रखिए, हमारी माँ बेटियों का, बहन बेटियों का सम्मान हमें लौटा दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए है। जय हिंद।